देश भर में चर्चित कन्हैयालाल साहू हत्याकांड फिर से चर्चा में है। एक ओर कन्हैया के बेटे ने हत्यारों को फांसी की सजा नहीं मिलने तक नंगे पांव रहने का निर्णय लिया है, वहीं दूसरे घटनाक्रम में शनिवार सुबह 5 बजे दोनों हत्यारों को वारदात वाली जगह पर लाया गया। कन्हैयालाल की दुकान के बाहर सुबह सुबह पहुंची एनआईए की टीम ने दोनों हत्यारों रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद से पूछताछ की। उदयपुर की मालदास स्ट्रीट स्थित कन्हैयालाल की दुकान वाले एरिया में शुक्रवार आधी रात के बाद से ही पुलिस की गहमागहमी शुरू हो गई थी। हालांकि आम आदमी को जानकारी नहीं थी क्या होने वाला है। अचानक सुबह करीब 5 बजे एनआईए की विशेष टीम और बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस की गाड़ियां यहां पहुंची। हालांकि मौके पर सीन रिक्रिएट नहीं किया गया, लेकिन 25 मिनट दोनों से पूछताछ की गई। इससे पहले शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे एनआईए की टीम दोनों आरोपियों को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से लेकर उदयपुर पहुंची थी। यहां उन्हें भोपालपुरा थाने में रखा गया था। दोनों हत्यारों को मालदास स्ट्रीट और भूतमहल गली के पास बापरदा गाड़ी में ही बिठाए रखा। यहां आरोपियों से रूट से लेकर घटनास्थल की मार्किंग कराई गई। बताया जा रहा है कि जिस फैक्ट्री में दोनों ने वीडियो बनाए थे उस फैक्ट्री में भी टीम रियाज और गौस को लेकर जा सकती है। हत्यारों को उदयपुर लाने से पहले ही थाने के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात थे। उदयपुर पुलिस के अधिकारी देर रात तक इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। वहीं इससे पहले शहर के सभी थाना इलाकों में पुलिस ने सख्त नाकाबंदी की थी। एक एक वाहनों की सख्ती से चेकिंग की जा रही थी। गौरतलब है कि 28 जून को दोपहर 2:45 पर उदयपुर के मालदास स्ट्रीट में सुप्रीम टेलर्स के संचालक कन्हैयालाल साहू की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी ने हत्या का लाइव वीडियो बनाया, साथ ही हत्या की जिम्मेदारी लेने का भी वीडियो बनाया। अब तक इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और हत्याकांड के सभी आरोपी जेल में हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।